वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप लुक विथ मोस्टली वेरी अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट टाइम मैंने इंडियन ब्राइडल लुक क्रिएट किया है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना क्रिएशन, मैं वहाँ भी सुपर डुपर एक्टिव रहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंस है मैंने वेयर कर लिया, वो लेंस के जेनिथ 3 का नेचुरल ग्रे। उसके बाद क्लिंजर लिया है, ये है सेटाफिल का स्किन क्लिंजर। फेस पे थोड़ी देर मसाज करके वेट वाइप से क्लीन कर लेंगे। दिन लिया है मैंने फेशियल ऑयल, थोड़ी क्वांटिटी में अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और उसको अपने स्किन में इस तरह अप्लाई करके प्रेस कर लूँगी तो हमारा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज होना चाहिए। न्यूट्रीडम का मॉइस्चराइजर क्रीम है, अपने फेस पे अप्लाई करके इसको भी ब्लेंड कर लूँगी तो हमारा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज होगा। स्किन केयर अगर आप अच्छे से किए रहेंगे तो आपका बेस बहुत ही फ्लॉलेस होगा। उसके बाद मैंने लिया है प्राइमर, जो कि है लैक्मे एब्सोल्यूट का, ये क्रीम बेस्ड प्राइमर है और अपने फेस पे थोड़ी क्वांटिटी में अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। कलर करेक्टर के लिए लिया है एलिगल प्रो का ऑरेंज कलर करेक्टर, अपने डार्क सर्कल पे हाइड करने के लिए अप्लाई करके फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। देन मैंने लिया है ये कंसीलर, वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है, थोड़ा सा डार्क शेड है, ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ शेड है, इसलिए मैं इसको पहले अप्लाई करूँगी। देन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में भिगा के निचोड़ लिया, उसी से ब्लेंड कर रही हूँ। तो यू कैन सी कि मेरी स्किन बिल्कुल इवन लगने लगी है। फाउंडेशन में दो शेड मिक्स करूँगी, ये मिलानी का फाउंडेशन है जिसमें मेरा शेड है 04, फॉरवर्ड 52 का फाउंडेशन है जिसमें शेड मेरा थोड़ा सा लाइट है और मिलानी का थोड़ा सा डार्क है। तो अपने स्किन टोन से मैच करते हुए दोनों कलर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देन अपने फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई करके देन ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से डैबिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो अपने बेस को काफ़ी अच्छा टाइम देके ब्लेंड करना होता है, डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना होता है। देन अब मैं कंसीलर के ले रही हूँ सुज ब्यूटी का कंसीलर, अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, माउथ एरिया अप्लाई करके देन अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंटोरिंग के लिए मैंने लिया है ये स्टिक विकी का क्रीम कंटोर स्टिक, बहुत ही अफोर्डेबल है और इसको इससे मैं अपने फेस पर ड्रॉ कर लूँगी। देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से भी डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी। तो ये क्रीम कंटोर है, इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ज़रूरी नहीं है जिस प्रोडक्ट से मैं मेकअप कर रही सेम प्रोडक्ट्स आप भी यूज़ करें, आपके पास जो भी प्रोडक्ट आप उस प्रोडक्ट से इस तरह से मेकअप कर सकती हैं। देन मैंने लूज पाउडर लिया है जो कि मेकअप रेवोल्यूशन का है, अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ। देन आईलिड को अच्छे से सेट कर लूँगी, पूरा बेस अभी नहीं सेट कर रही हूँ। उसके बाद ये बेनिफिट का ब्रा पोमेड लिया है, एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से, इसमें जो ब्रश आता है उसी के हेल्प से मैंने अपने ब्राउज को फिल कर लिया है, काफ़ी अच्छा ब्रा पोमेड है। उसके बाद फिल करने के बाद पुली की हेल्प से कॉम्ब करके अच्छे से सेट कर लेंगे। देन लूज पाउडर के एक्सेस पाउडर को रिमूव कर लेंगे ब्रश की हेल्प से। देन आईलिड को भी अच्छे से सेट कर लेंगे। आई मेकअप करने से पहले लूज पाउडर लेके आई के नीचे थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे ताकि जो भी फॉल आउट वगैरह हो इस पर हो। डॉक्टर टेप लेके ईयर के कॉर्नर पे स्टिक कर देंगे। देन ये वाला कलर लेके आउटर वी पे इस तरह से प्लेस करके उसको उसी जगह पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, हल्का सा क्रीज पे भी ब्लेंड कर लेंगे। देन दूसरा कलर पिक करेंगे, ये वाला कलर पिक करके, और इसको भी आउटर बी पे इस तरह से प्लेस करेंगे और उसको उसी जगह पे ब्लेंड करेंगे, हल्का सा क्रीज पे भी ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से टाइम देके ब्लेंड करना होता है, तभी आई मेकअप अच्छा होता है। उसके बाद ये रेड कलर लेंगे और रेड कलर को अपने आउटर बी पे ही प्लेस करके उसको उसी जगह पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, हल्का सा क्रीज पे लेते हुए सारे कलर को ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद एक क्लीन ब्रश लेना है, इसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेना है। कंसीलर से कट क्रीज बना रही हूँ, हाफ कट क्रीज ड्रा किया है। गोल्ड ग्लिटरी कलर लेके, सिमरी कलर लेके, और इसको इनर आईलेट पे प्लेस करना है। देन सेंटर के लिए ये मैंने लिया है ऑरेंज कलर, इसको सेंटर में प्लेस कर दूँगी तो इस तरह से अप्लाई हो गया। देन ब्लैक कलर एक ब्रश में लेना है, बहुत हल्का ब्लैक कलर लेना है, उसके एक्सेस पाउडर को निकाल देना है, एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल के आउटर बी पे प्लेस करके उसको उसी जगह पे ब्लेंड करना है, हल्का सा डेप्थ देने के लिए। तो इस तरह अच्छे से ब्लेंड हो गया है, टेप को रिमूव कर देना, यू कैन सी कि कितना क्लीन इफेक्ट आया है। उसके बाद शुगर का ये लिक्विड आईलाइनर लेके मैं एक विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करूँगी।
काजल के लिए लिया मैंने फेसेस कनाडा का ये ब्लैक काजल। इसे अपने वाटर लाइन पर अप्लाई करूंगी एक एंगुलर ब्रश में ब्लैक कलर पिक करके, और काजल को हल्का सा नीचे की तरफ स्मज कर दूंगी, तो कॉर्नर पे ही ज़्यादा करना है। उसके बाद मैं ये दोनों कलर को मिक्स करते हुए और अपने लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं ये ऑरेंज कलर लूँगी, इसको नीचे लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। लैसेस को कर्ल करने के लिए कलर बार का ये कलर लिया है, अपने लैसेस को कर्ल कर लूँगी। देन मस्कारा के लिए स्विस ब्यूटी का मस्कारा लिया, वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, और इससे अपने लैसेस को कोट कर लूँगी। अपर एंड लोअर लैसेस को अच्छे से कोट कर लेना है। फेक आई लैशेज के लिए पैक का फेक आई लैशेज है, और पैक के ग्लू की हेल्प से आई लैशेज अप्लाई कर लेंगे। तो दोनों आई में अप्लाई हो गया है। देन आई के नीचे जो भी मैंने पाउडर अप्लाई किया तो उसको क्लीन कर लेना है। इसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन का ये फेस पैलेट लेके इसमें से कंटूर पाउडर लेके अपने फेस की कंटूरिंग करूँगी एंगुलर ब्रश की हेल्प से। ये ब्रश नायका का है, और अपने फेस की कंटूरिंग कर लूँगी, फोरहेड की भी कंटूरिंग करूँगी, जॉ लाइन की। देन नोज़ की कंटूरिंग के लिए एक स्मॉल ब्रश लिया है और अपने नोज़ की कंटूरिंग कर लूँगी। तो कंटूरिंग करने से हमारे फेस में एक अच्छा सा डायमेंशन आ जाता है। देन लिप्स के नीचे और ऊपर भी हल्का सा कंटूरिंग कर लूँगी ताकि लिप्स थोड़ी सी फुलर दिखे। स्विस ब्यूटी का ये ब्लश पैलेट लिया है, इसमें से ये डार्क पिंक कलर लेके अपने चिक बोन्स पे अप्लाई कर लूँगी, हल्का सा चिन पे और नोज पे भी अप्लाई करूँगी। मेकअप रिवोल्यूशन के मेकअप फिक्सर्स अपने पूरे फेस पे स्प्रे करके देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से सब कुछ डैप टाइप कर दूँगी जितना मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद अप्लाई करूँगी हाईलाइटर, जो कि बेटन वाइल का हाईलाइटर है, मेरा फेवरेट हाईलाइटर है, और इसको अपने फेस के हाई पॉइंट पे अप्लाई कर लूँगी, नोज टिप और नोज पे भी अप्लाई करूँगी, एक स्मॉल ब्रश के ब्रो बोन पे भी अप्लाई कर लूँगी, क्यूपिड बो पे भी अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई होने के बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर को लेकर सब कुछ डैप टाइप कर दूँगी तो अच्छे से मेकअप फिक्स हो जाता है। और उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैंने शुगर की ये लिपस्टिक लिया, जो भी शेड होगा मैं दे दूँगी स्क्रीन पे, और उसके ऊपर मैंने टॉपअप की है नायका की लिपस्टिक जिसमें मेरा शेड है 05, और दोनों लिपस्टिक को मैंने अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद ज्वेलरी पहन लिए, हेयर स्टाइल मैंने पहले ही बना लिए थे। तो ये है मेरा फिनिश फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। ये फर्स्ट टाइम मैंने ये ब्राइडल लुक किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोग को बताइएगा जरूर। ये नोज जो रिंग है उसको मैंने खुद बनाया हुआ है, तो कैसा लगा वो भी बताइएगा जरूर। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।